गाइस आज हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो आपने नहीं देखा होगा। हाँ गाइस, आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो मैग्नेट के साथ करने वाले हैं, क्योंकि हम इस बार इस वाला मैग्नेट नहीं लेकिन कुछ अलग सा मैग्नेट अपने खुद और स्वयं बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक लोहे की कील है लंबी सी, और फिर इसके लिए हमें एक मैग्नेट की भी जरूरत पड़ेगी। और इस मैग्नेट को हम कैसे बनाते हैं वो आप देखना, और वो किस तरीके से वर्क करता है और सही से बन पाता है या नहीं। तो गाइस, ये मैग्नेट कैसे बनेगा और किस तरीके से वर्क करेगा तो वो हम देखेंगे। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि इस लोहे की कील को इस मैग्नेट के साथ अच्छे से घिसूंगा ताकि ये जो लोहा है वो मैग्नेट की तरह वर्क करने लगे। ऑलरेडी गाइस, तो मैंने इसको अच्छे से घिस दिया है और अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा मैग्नेट है वो वर्क करता है या नहीं। गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो मैग्नेट है वो बन गया है और ये अच्छे से वर्क भी कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेपलर की क्लिप्स वो अच्छे से इसके साथ चिपक गई है। और मैंने इसको और कुछ यूज करके नहीं बनाया लेकिन आपके सामने ही एक मैग्नेट के साथ घिस कर बनाया है कि अगर लोहे की चीज़ को मैग्नेट के साथ घिसते हैं तो ये जो लोहा है वो मैग्नेट की तरह वर्क करता है। ट्रिक नंबर टू में हम क्या करेंगे कि एक लोहे की सोय है मेरे पास और इस सोय को मैं बिना किसी चीज़ के हवा में खड़ा कर दूंगा और फिर ये जो सोय है वो कैसे अपना मैग्नेटिक पावर दिखाती है वो हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किसी और चीज़ का नहीं लेकिन एक मैग्नेट का यूज कर रहा हूँ और इस मैग्नेट की मदद से ये जो सोय है वो हवा में उड़ रही है। आप देख सकते हैं मैंने मैग्नेट को टच भी नहीं किया और ये जो सोय हवा में उछल रही है। देख सकते हैं ये अच्छे से टिक नहीं पा रही क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा दूर ज़्यादा जाता है। तो गाइस आपने देखा कि हमारा जो मैग्नेट वाला ये लोहे का कील था वो भी अच्छे से वर्क कर गया और ये जो सोय थी वो भी बिना मैग्नेट को छुए हवा में उछल रही थी। ये दोनों चीज़ें मैग्नेट की पावर की वजह से हो गई। अगर लोहे को मैग्नेट के पास लाया जाए तो वो चिपक जाता है और अगर थोड़ा सा दूर रखा जाए तो वो मैग्नेट की ओर खींचा आता है। इसलिए ये जो सोय है वो बिना टच किए मैग्नेट को बिना टच किए हवा में उड़ रही थी। अगर मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ और हिलाता हूँ फिर भी ये सोय है वो नीचे नहीं गिरेगी। और मैंने आपको देख सकते हैं सिर्फ दो इस धागे से इस सुई को पकड़ा है। आई होप गाइज आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे पास ऐसे वीडियोस होते हैं वो आप तक पहुंच पाए। हम मिलेंगे आपको ऐसे ही नए और अलग से मैजिक ट्रिक और साइंस ट्रिक के साथ।